वेल दोस्तों, बिग बॉस के 15वें सीजन का आगाज बहुत ही जल्द होने वाला है। बिग बॉस के 15वें सीजन की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट है दिव्यांका त्रिपाठी, छोटे पर्दे की इशिता माँ। जी हाँ, इशी माँ के नाम से जाना जाता है दिव्यांका त्रिपाठी को, क्योंकि इनका ये है मोहब्बतें काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था। और भी इन्होंने कई सारे शोज में काम किया है। दिव्यांका त्रिपाठी छोटे पर्दे का काफ़ी बड़ा नाम है, जो कि अब बिग बॉस के 15वें सीजन में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरी ओर हम बात करें ओटीटी की, बिग बॉस के ओटीटी की, तो अक्षरा सिंह का जलवा यहां पर देखने को मिल रहा है। और अक्षरा सिंह और दिव्यांका त्रिपाठी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी के नाम से जाना जाता है, और भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी बनने से पहले वो बहुत सारे जी टी वी के शोज में नज़र आ चुकी हैं, जैसे कि काला टीका और भी बहुत सारे शोज, बनू मैं तेरी दुल्हन, बहुत सारे शोज में वो नज़र आ चुकी हैं। और बात करें हम दिव्यांका त्रिपाठी की, तो दिव्यांका त्रिपाठी भी जी टी वी का प्रोडक्ट है। बनू मैं तेरी दुल्हन आया था इनका सुपर डुपर, जो कि हिट हुआ था। दिव्यांका त्रिपाठी और अक्षरा सिंह की दोस्ती जो है जीटीवी के माध्यम से हुई थी। दोनों जो है एक दूसरे के बहुत सच्चे मित्र हैं, और साथ ही साथ दिव्यांका त्रिपाठी तो अक्षरा सिंह की तब से ही बहुत बड़ी फैन है, और साथ ही साथ उन्हें पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन अक्षरा सिंह जो है वो आगे जाएंगी। और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई, टीवी सीरियल्स को छोड़कर भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई और भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरी तरह से सक्रिय हो गई, और तभी से दिव्यांका त्रिपाठी जो हैं अक्षरा सिंह की बड़ी फैन है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है दोस्तों, और बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे लीडिंग इंडियन पोर्टल ये दावा कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह जो हैं ओटीटी से बिग बॉस के 15वें सीजन में जाएंगी, और दिव्यांका त्रिपाठी भी वहां होंगी क्योंकि कन्फर्म कंटेस्टेंट है। और दिव्यांका त्रिपाठी और अक्षरा सिंह की जो दोस्ती है ना दोस्तों, दोस्ती है वो किस तरह से देखने को मिलेगी, इसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, दिव्यांका त्रिपाठी की एंट्री पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को बिल्कुल भी ना दबाना भूलें।